हाय माय आर डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का हमारा गोल्डन वर्ड्स का डे 4 है, तो चलिए फटाफट पहले हम डे 3 के सभी वर्ड्स को रिवाइज कर लेते हैं। तो हमारा प्रीवियस फर्स्ट वर्ड था क्यूरियस, सेकंड इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड थर्ड इज फेबुलस, एंड फोर्थ इज पेशेंस, एंड लास्ट कंफर्टेबल। तो आज का हमारा डे फोर का फर्स्ट वर्ड है शेड्यूल। जी हाँ, शेड्यूल। शेड्यूल का जो हिंदी मीनिंग होती है, ये होती है दिनचर्या, जिसको हम रूटीन भी बोल सकते हैं। रूटीन और शेड्यूल दोनों ही वर्ड सिमिलर हैं। तो जब भी आपको किसी के दिनचर्या के बारे में आपको बात करनी हो या आपको दिनचर्या बोलना हो, तो आप वहाँ पे शेड्यूल बोलें कि भाई कल आपका क्या शेड्यूल है, मतलब आप कल क्या करने वाले हैं, या मेरा आजकल बहुत ही बिजी रूटीन है, या मेरा बहुत ही बिजी शेड्यूल चल रहा है, मतलब आजकल मैं बहुत ही व्यस्त रह रहा हूँ। तो आप शेड्यूल सेट करते हैं कि यार मैं कल ये शेड्यूल बना रहा हूँ। तो शेड्यूल का मतलब दिनचर्या, कि आप दिन में क्या क्या करने वाले हैं उसके बारे में जब आप बात करें कि मेरा दिन का ये शेड्यूल रहेगा, मैं इतने बजे ये करूँगा, इतने बजे ये करूँगा, तो आपका एक शेड्यूल होता है फिक्स टाइम को लेकर। शेड्यूल का मतलब दिनचर्या। जी हाँ। सेकंड गोल्डन वर्ड इज कंजर्वेटिव। जी हाँ, कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का जो हिंदी मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि पुराने ख्यालों वाला या रूढ़िवादी, जो पुरानी विचारधारा का हो। कंजर्वेटिव का एक सिमिलर वर्ड है प्रिमिटिव। आप प्रिमिटिव भी बोल सकते हैं, कंजर्वेटिव बोल सकते हैं। दोनों वर्ड का मतलब होता है पुराने ख्यालों वाला। जैसे हम एग्जांपल यूज़ कर सकते हैं कि आज भी हमारे भारत में बहुत से परिवार प्रिमिटिव थिंकिंग के हैं या कंजर्वेटिव विचारधारा फॉलो करते हैं, बहुत ही पुराने ख्यालों वाले हैं। आप किसी भी व्यक्ति से अगर आपको ऐसा वर्ड यूज़ करना है कि वो बहुत ही पुराने ख्याल वाला है या रूढ़िवादी है, जो पुराने ट्रेडिशन लोग बना के चले आए हैं, चाहे वो कुछ भी हो उसको वो फॉलो कर रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं वो बहुत ही कंजर्वेटिव माइंडसेट का व्यक्ति है, मतलब कि पुराने ख्यालों वाला व्यक्ति है। तो जब भी आपको ऐसे वर्ड यूज करना हो, तो वहाँ पे आप प्रिमिटिव या कंजर्वेटिव शब्द का इस्तेमाल करिए। तो आज का हमारा थर्ड वर्ड है डिसेंट। जी हाँ, डिसेंट। डिसेंट का जो हिंदी मीनिंग होती है, वो होती है सभ्य। सभ्य बोल सकते हैं या शिष्ट बोल सकते हैं या नेक बोल सकते हैं, मतलब हिंदी में कई वर्ड आते हैं। जो भी डिसेंट का मतलब सभ्य, तो जब आप किसी के बारे में बात करें जहाँ पे आपको सभ्य बोलना है या शिष्ट बोलना है या लिटरेट बोलना है, मतलब पढ़ा लिखा व्यक्ति है, समझदार है, तो आप वहाँ पे डिसेंट का यूज़ करें। जैसे वह बहुत ही डिसेंट बच्चा है, हमारा व्यवहार हमेशा डिसेंट होना चाहिए, है ना। तो किसी से आप मिले तो आप बोल सकते हैं कि हाँ यार, उससे हम मिले काफ़ी डिसेंट लगा, मतलब कि शिष्ट लगा, समझदार लगा, तो आप डिसेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज का हमारा फोर्थ वर्ड है डिसिप्लिन। जी हाँ, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन आपको पता ही होगा, डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासन या एक नियम से रहने वाला व्यक्ति। तो जहाँ भी आपको डिसिप्लिन है बोलना हो, अनुशासन की बात आए, तो आप वहाँ पर डिसिप्लिन का इस्तेमाल करिए। आप जानते हैं कि बिना डिसिप्लिन के लाइफ में सफल होना संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो जहाँ भी आपको अनुशासन से जुड़ी हुई बातें करनी हो, तो अनुशासन की जगह पर आप डिसिप्लिन का यूज़ करिए, कि डिसिप्लिन या पैशनेट। जी, तो आज का हमारा लास्ट एंड गोल्डन वर्ड्स है पैशन। जी हाँ, पैशन। पैशन का मतलब होता है शौक या किसी भी काम को दिल से करने वाला व्यक्ति। इसी से मिलके एक वर्ड और बना है, जिसको हम बोल सकते हैं पैशनेट। जैसे इसका इस्तेमाल करेंगे हम, जैसे वह हर काम बहुत ही पैशनेट तरीके से करता है, वह अपने काम को लेके पैशनेट है। वही क्या, हम सबको, हमारा जो भी काम है, जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें अपने काम को पैशनेट तरीके से करना चाहिए। यानी कि जो भी काम हमें मिला है, उसे हम डीप में, उसमें एकदम डूब के एक अपना 100% दे के वो काम करें, तो इसको हम बोलते हैं पैशनेट। उसी से मिलके बना है पैशन, पैशन। पैशन का मतलब भी शौक और पैशनेट का मतलब शौकीन तरीके से। तो ये दोनों वर्ड आपके लिए यूज़फुल हैं। जब भी आप किसी को आप बोलें, तो बोलें कि वो एकदम पैशनेट तरीके से अपना काम करता है, पैशनेट तरीके से पढ़ाई करता है, पैशनेट तरीके से अपना काम करता है, मतलब कि उसने पूरा अपना बेस्ट देने का प्रयास करता है। दोस्तों, हम आपको जो 5 वर्ड्स दे रहे हैं, इसमें से कुछ वर्ड्स आपको पता होंगे ऑलरेडी और आप यूज़ भी कर रहे होंगे, बहुत अच्छी बात है। कुछ वर्ड्स नए मिलते होंगे, बाकी जिनको नहीं पता है उनके लिए और अच्छी बात है कि आप सीखिए और इनको पर डे आप यूज़ करते रहिए। और जहाँ आपने 3 से 4 बार आपने यूज़ किया, 5 times 4 times, तो ये आपके हैबिट में आ जाएंगे, ये हैबिचुअल हो जाएंगे, फिर ऑटोमेटिक उनके हिंदी वर्ड्स के प्लेस पे आपके इंग्लिश वर्ड्स ही निकलने वाले हैं। तो माय आर डियर स्टूडेंट्स, आज के ये 5 वर्ड्स थे और हम उम्मीद करते हैं कि आप इन 5 वर्ड्स को यूज़ करेंगे और प्रीवियस भी 15 वर्ड्स को आप यूज़ करेंगे। तो चलिए, आज का सेशन हम यहीं पर फिनिश करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से फिर गोल्डन वर्ड्स की सीरीज नंबर 5th के साथ। टिल देन, बाय टू ऑल, टेक केयर, बी हैप्पी।